इक्कू न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट में शिवसेना शाखा क्रमांक 62 से। यहाँ के जो शिवसैनिक हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया था पार्टी का नाम और धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह था वो एकनाथ शिंदे के नाम किया था चुनाव आयोग ने, इस फैसले को लेकर यहाँ के शिवसैनिकों में क्या क्या कहना है इनका, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ सर, डिक्कू न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो हाल ही में चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया था धनुष बाण और जो पार्टी का नाम है सीएम एकनाथ शिंदे के नाम कर दिया है चुनाव आयोग ने, ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे सर? सर मैं ये कहूँगा ये जो मामला जो भी निर्णय ने जो फैसला दिया है एक्चुअली गलत फैसला दिया उन्होंने। उन्होंने फैसला दिया इस तरह कि उन्होंने देखा कि क्या सीन चल रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी के बारे में उन्होंने जो फैसला दिया है ना कि धनुष बाण और नाम उनको दिया, नहीं एक्चुअली ये हमारे उद्धव साहब का है। हमारे बाला साहब ने आज 60 साल के अंदर ये पूरा सरकार इन्होंने आज बनाई है, सत्ता पूरी खड़े की है, दो बार सत्ता हमारे आके गई है। आज बीजेपी ने जो काम किया है, बीजेपी ने जो गलत हिसाब से इन लोगों को हाथ में लेके ईडी का डर देके अपना इसका इनकम टैक्स इसका डर देके ऐसा डर देके इन लोगों को बुला बुला के उनको धमकी दे दे के इनको अपने बस में किया है। यही एकनाथ शिंदे कल्याण की मीटिंग में कहा गया था कि हम इस बीजेपी के सरकार में बैठ नहीं सकते, उनके सामने हम कोई काम नहीं कर सकते, हमको काम करने तकलीफ होती है। आज यही एकनाथ शिंदे आज उनके गोद में जाके बैठ गया है, हमारे 40 आमदारों को लेके 40 गद्दारों को लेके, ये गद्दार लोग को लेके जाने के बाद इनको अभी इतना पता चला है कि मालूम है कि हम आने वाले इलेक्शन में हम लोग आने वाले नहीं है, जो 1.5 साल मिल रहा है ये कर लो, इसके बाद जो इतने भी गए ना इनकी तो डिपॉजिट जब्त होने वाली है, इनका कोई असूत नहीं रहेगा। हमारे उद्धव साहब जो आएंगे उभर के आएंगे, जो बोलते हैं ना कोयला जो बोलता है हीरा कोयले में रहता है, जो उभरता है जब निकलता है तो उसकी तेज बहुत आ जाती है, वो सब रहे उद्धव साहब। आज उनकी गिरती बाजू है, आज अच्छे अच्छे पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है, आज केजरीवाल जी उनको मिलने आए, पंजाब के मुख्यमंत्री वो मिलने आए, आज हमारी ताकत बढ़ेगी घटेगी नहीं, ये लोग जाने से हमारा कुछ कम नहीं हुआ है। हमारी फाउंडेशन जो है ना हमारे साथ में है, हमारे जो कार्यकर्ता है हमारे साथ में है। ये जाना चाहेंगे कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है आपको, ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है? सुप्रीम कोर्ट में हमको 100% उम्मीद ये है कि ये फैसला हमारे बाजू से आएगा, ये हमको हमारी फुल आस है कि फैसला अगर ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत दिया तो लोगों का विश्वास उड़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, कोई कोर्ट कचहरी भागेगा नहीं फिर, कि बाप का जो बेटा है वो बेटे के हाथ में उसकी पूरी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, जैसे आज हमारी शिवसेना की प्रॉपर्टी हमारे जो कार्यकर्ता से लेके आमदार खासदार सब हम लोग ये सैनिक की प्रॉपर्टी है। आज हम लोग जो सत्य जो है हम लोग के बाजू में लोग हैं, असली को नकली का आप देख रहे हो ना, 40 गाथा नकली हो गए बाकी जो बचे पूरे असली है, इससे हम लोग को इतना हम लोग सीखा है कि नहीं हम लोग एकजुट है, एकजुट ही रहेंगे हम लोग, इसके में आगे ऐसे किसी तरह हुआ तो हम लोग साथ में उद्धव जी के साथ में ही रहेंगे। हमें जो शिवसेना का जो धनुष बाण है जो चिन्ह है अभी एकनाथ शिंदे को दे दिया गया, इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे आप चुनाव आयोग? एक फैसला जो हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि ये तीर कमान जो है वो बाला साहब ठाकरे का है और उसका वारिस कौन है? उदय साहब ठाकरे, उनके हक में आना चाहिए। और ये इन्होंने जो इलेक्शन कमीशनर ने जो फैसला दिया है वो गलत दी है, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देखते हैं अभी क्या होता है। हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि कोर्ट जो अभी फैसला देगा उसी के फैसले पे हम लोग मुकर्रर रहेंगे, हम लोग वो फैसला मानेंगे, बिकॉज इलेक्शन कमिश्नर ने जो दिया है एक तरफा फैसला है ये, जो पूरी जनता जानती है, पूरी कौम जानती है, और ये गलत हुआ है। ऐसा किसी के बारे में नहीं होना चाहिए, कोई अपने पिता की प्रॉपर्टी कोई दूसरा कोई ले जाए, ये चीज़ कभी अभी तक हुई नहीं थी, जो अभी हुई है तो शायद ये राजनीति जो है बहुत गंदी तरीके से चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से हमें एक दरखास्त है कि अच्छे से अच्छा फैसला दे और सब जनता को एक दिखा दे कि सुप्रीम कोर्ट सबके ऊपर है। जय हिंद। जो अभी निर्णय दिया था पहले कपिल सिब्बल ने बोला था कि एक जो चुनाव का टलने दो बोला था, फिर न्यू आयोग ने उसने दे दिया, ये चिन्ह गलत दिया है। तो अगर सब ये फैसला चिन्ह से वो करेंगे वो लोग तो फिर कोर्ट में जाने की जरूरत ही क्या है, सब निवेदन के गाड़ी पर जाएगी, फैसला तो सब वही करना मांगता है ना, कोर्ट ही फैसला करना मांगता है बस, और ये चिन्ह वो तो साहब के पास ही रहेगा।
इतना हम लोग का सबका विश्वास है, पूरी जनता का विश्वास है, सब ठान के बैठे कि चिन्ह उद्धव सबका है, बाला साहब ठाकरे का है और उनका ही रहेगा शिवसेना। ये फैसला ऐसा देखा जाए तो हमको थोड़ा भी मंजूर नहीं है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने उद्धव जी को शिवसेना करके पक्ष करके वो प्रमुख नेता करके बोल दिया था, बताया था, और फिर भी एक गद्दारों ने उनके साथ विश्वासघात किया बाला साहब के नाम से, और बाला साहब के नाम से आप वोट लेके दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और अगर आगे कुछ होना चाहिए तो हमको खाली सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ उम्मीद है, अभी सुप्रीम कोर्ट किसके दबाव में कुछ चलती रहेगी तो उसका भी कोई अंदाज नहीं दिख रहा आज की तारीख में, तो सुप्रीम कोर्ट हमको हमारा हमको न्याय दे या हमारे को उससे उम्मीद है। कैमरामैन विश्वजीत के साथ मैं अयाज अहमद खान, देखते रहिए टिप्पो न्यूज़। Hey, if you enjoyed the video, hit the like button, and if you wish to see more of our content, hit that subscribe button.